होंगे, सारे नुमाइंदे इकट्ठे होंगे, और जिस तरह बाजवा साहब ने बड़ी अच्छी बात फरमाई, अगर अपोजिशन में भी है नुमाइंदे कोई, वो भी यहाँ बैठे, क्यों ना बैठे, वह नहीं लोगों ने वोट दिए हैं, आवासिया ने भी वोट दिए हैं, और हमारे साथ डिबेट कर ले बैठकर कि क्या खानपुर का हक है या उसका हक है। मैं मॉडल के साथ, बेहद मॉडल के साथ ये बात कहने के लिए कोई आ नहीं सकता कि अगर कोई नवाब साहब कहें तो आओ तो बन जाए उसको ड्रीम बना दें, लेकिन हमारा नगर किधर गया, कौन पूछेगा, आप पूछेंगे। आप जब छोड़ देंगे इन चीजों को कि मसूद यहां पीटीआई का एमपीए है, जब अपने जहन से निकाल देंगे, मैं हर आदमी को जवाबते हूं, मैं अगले दिन की बात की थी आप भी बनाए तो नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ किसी जमात का कोई बंदा किसी किस्म का इज्तमाही मसला लेकर आएगा, मैं अलग तय करूंगा, मैं उसकी कोशिश करूंगा, मैं उसकी स्ट्रगल करूंगा, और खुदा की कसम करूंगा कभी ये नियत नहीं होगी ये मेरा मुखालिफ है। यहां पर लासानियत फैलाई जा रही है, यहां पर अजीबो गरीब शुरू की सूरत हालात है, काम एक दूसरे को करने नहीं दिया जाता, हम एक दूसरे की टांगे खींचते, और ये बात कुर्बान साहब ने मेरे ख्याल में शायद की है, ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन बात दुरुस्त है कि जो बंदा पीटीआई में शामिल हुआ उसको भी थाने में लाए, वो अपने मामला ठीक करने के लिए अपने हल्के के लिए उसने ये कुर्बानी दी है, मैं उसे बड़े अच्छी तरह जानता हूं, वो पीटीआई में जितना पेनिट्रेट उसने किया हुआ है वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ू, लेकिन उसने हल्के की खातर ये थोड़ा जहर जो है वो पीए हमें पसंद नहीं है, हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, हमारा वो पार्टनर बन गया है, हमारे वो इख्तियारात में शामिल हो गया है, जब सोच ऐसी होगी तो पैकेट ये जिला नहीं बनेगा, फिर आमदपुर बनेगा या खानपुर बनेगा, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपने हमें इधर से पकड़ना है, ये जवाब दे दी क्या किया है आपने, चाहे कोई किसी जमात का हो, मैं दावा करता हूं इंशाल्लाह ताला और आइंदा भी अभी अल्लाह ताला शायद कोई टाइम जो है पूरा कर दे, जिसके हालात खराब है हमारे, कोरोना ने बेहद हमें डैमेज किया है, माली मुश्किलात पहले भी थी, इस दफा हमारा एडीपी जीरो है, हमारी स्कीमें ऑन पॉइंट है, उसका पैसा नहीं मिला, उसमें हमारी कोताही है, हमारे पूरी तहसील का जो दायरा बनता है जिससे 3 MPA और 1 MPA है सबकी कोताही है, उसमें सबसे ज्यादा मैं गुनाहगार हूं, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, इंतजार के लिए तैयार हूं, आप एक प्रोग्राम करें प्रेस क्लब में, सब जो लोग हैं हमारे यहाँ के तमाम तंजीमों के हेड्स हैं वो आ जाए, बाकी उनके सारे नीचे 29 टीमें मौजूद हैं, वो आए आकर बैठकर इंतजार करें सबका, कि यहाँ 2 साल में आपने आज तक क्या किया है, और पुराने लोगों को बुला लें उनसे ना पूछे, वो हल्का वो खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, जो इस पर करंट अफेयर पे जो बंदे मौजूद है वो सब जवाब दें अपनी बातों का, इसने क्या किया है, और ये भी तय्यन करें कि आपने ये करना है, जिसमें जिला सबसे पहले, क्योंकि सारी बातों का महत्व जो है वो जिला है। मुझे बेहद खुशी हुई है कि हमारे पास पाकिस्तान लेवल के बड़े सीनियर लायर जर्नलिस्ट रहे हैं, वो हमारे साथ पीछे हैं, लातों के भूल बातों से नहीं मानते, अगर हम सब इसमें करते हैं और ये हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं कोर्ट लेवल के ऊपर, तो हमें बड़ी तकबीयत मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला जो इनके जज्बात हैं मैं उनको जानता हूँ, शायद इनको याद ना हो 88 का इलेक्शन जब लड़ा था तो मेरे इलेक्शन अटेंड किए थे, इलेक्शन अटेंड के पास वो अख्तियार होते हैं जो एक MPA कैंडिडेट के अख्तियार होते हैं, इतने ओल्ड हैं, उस वक्त अपनी तंजीम के साथ तुलबा के साथ आए और हम इन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रैक्टिकल फेस किया उस मुश्किल को, जिसमें हम टोपी के निशान पर अबासिया के इकट्ठे होकर लोग अपने मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा को ढूंढ रहे थे, तो मैं न्यासमंद उसमें गुनाहगार इंसान का, और ये सिलसिला जो है जितना भी है मैंने अगर कुछ किया है तो अल्लाह की रजा के लिए किया है और इस मखलूक की कमिटमेंट के लिए किया है, और इसका अगर मैं अल्लाह ताला से अल्लाह ताला मुझे देगा मुझे यकीन है, और मैं उसी तलब का ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि यहाँ का मैंडेट जो मुझे मेरे हल्के में है
उसके हर काम में, अच्छे काम में, उसके हर मसाइल में मुझे शरीक होना जरूरी है और मुझे कोशिश करना नेक नीति के साथ जरूरी है। अगर मैं नहीं करता तो ना मैं कमिटमेंट का पक्का हूं, ना मैं मुसलमान हूं। झूठ बोलने वाला आदमी कभी मुसलमान नहीं होता, मुनाफिक वाला बंदा कभी मुसलमान नहीं होता। मैं इतना कम बहुत कम हूं इन बातों में, वरना इसकी हदीस, इसके बयान हमारे हजरत लामा साहब बैठे वो आपको बता सकते हैं। आपका मैं ज्यादा वक्त दे दिया है, मैं सब भाइयों का कमजोर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं एमपीए नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, हर वक्त 24 आवर हाजिर हूँ। सिर्फ इतना मेरा ख्याल रखे मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मेरी काम की रफ्तार इंशाअल्लाह ताला बड़ी है, कम नहीं हुई। और हम दोनों भाई, वो जिसने अपना कारोबार छोड़ दिया है सेहत की वजह से, वो भी हर वक्त यहाँ हाजिर है और मैं भी हाजिर हूँ, लेकिन वो हदफ हम पूरा नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए था, वो चीजें हम ठीक नहीं कर पा रहे जो यहाँ होनी चाहिए थी, जिसमें 10 साल की कमी भी वाकया है, जिसमें मसाइल ही मसाइल हैं, इसमें सबसे बड़ा जुल्म ट्रेड है, जो हमारी मौशियत की रीढ़ की हड्डी है। हमारी फसलें ठीक होगी, हमारा वाटर लेवल ठीक होगा, वहां पर फसलें आएंगी, जिम्मेदार खुशहाल होगा, ये सारी आपकी आड़तें और सारा आपका बाजार और सारी चीजें तब चलेंगी। सबसे पहली ये बात यहाँ पर तबाह बर्बादी की ये जो है हमारी, और उसके बाद हमारा जिम्मेदार, वैसे भी हमारे जितने भी सुबाई प्रोग्राम हैं उसके असूल और कवायद और जवाबत हैं, उनकी पॉलिसी हैं ऑफ द रिकॉर्ड।